कौन हो तुम? कहाँ हटो, छोड़ो मुझे तुम। हाउ डेयर यू टच मी? चोर, चोर, चोर! व्हाट द हेल? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? हाँ, चोर कहीं के? चोर, चोर? तुम्हारा कमरा? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे कमरे में घुसकर सोने की? मेरे कमरे में घुसकर तुम मुझ पे हाथ उठा रही एंड कॉलिंग मी चोर? चोर, ये मुझे मार रहा है, चोर! दीदी उठो ना, दीदी जल्दी चलो, दीदी देखो वहाँ क्या हो रहा है। उफ़ो दीदी, आप तो कुंभकर्ण को भी हरा दोगी, अब उठो ना दीदी। सोने दो ना, तुम भी जाकर सो जाओ। दीदी जल्दी चलो, देखो वहाँ क्या हो रहा है। हमें नहीं जाना कहीं, तुम जाओ। मुझे अकेले जाने में डर लगता है दीदी, आप भी साथ में चलो ना दीदी। उठो ना दीदी, नहीं तो गुंजन दीदी को वो चोर मार डालेगा। चोर, ये मुझे मार रहा है। अरे गुंजन, क्या गुंजन चिल्ला क्यों रही है? अरे कौन है ये जंगली बिल्ली? कौन है ये पागल? कोई पागल वागल नहीं है ये, ये हमारा बेटा है मयंक। रात को सारे घर में हंगामा मचा हुआ है। सुनो, हाँ, मयंक के सोने का इंतजाम किसी दूसरे कमरे में करवा दो, समझे? जी। रचना, तुम क्यों उठ गई? सुनिए, आप चलिए सोने, हम सबको अपने अपने कमरे में सोने के लिए भेज देते हैं। रचना तुम हमारे साथ आना, और डोलू तुम जाओ अपने पापा के साथ सोने फटाफट, वरना कल सुबह स्कूल के लिए तुम्हें देरी हो जाएगी। ठीक है? गुड नाइट दीदी। गुड नाइट डोलू भैया। डप्पू भैया, कैसे हो डप्पू भैया? ठीक हूँ। डप्पू, डप्पू भैया आपसे ढेर सारी बातें करनी है। टप्पू कैसा अजीब सा नाम है। डप्पू नहीं है उसका नाम, मयंक है। मयंक यानी कि चांद। एनीवे, नाम जो भी हो, गप्पू पप्पू टप्पू चंदू मेरे कमरे में क्या करने आया है? एक्सक्यूज मी, मुझे मेरे रूम में आने के लिए ना किसी की इजाजत नहीं चाहिए, समझी? And by the way, who the hell are you? और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? छोड़ो वो सब। तुम ये बताओ कि अचानक कैसे आ गए? अरे तुम तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना? अरे माँ, मैंने सोचा कि जल्दी आके आप सबको चौंका दूं। लेकिन यहाँ आकर देखा कि मुझे ही चौंकाने का प्रोग्राम तैयार है। मयंक बेटा, तुम मुंह हाथ धोके थोड़ा सा आराम कर लो, सफर में थक गए होंगे ना। ये सारी बातें हम कल सुबह करेंगे, ठीक है? चलो। जी ताई जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताई जी, वो आपकी बहन रचना की मौसी के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। उनका अचानक से यूं चले जाना आप सबके लिए भी तो। एक्सक्यूज मी, आधी रात को किसी के कमरे में, ये सब बातें बाहर भी तो जाकर कर सकते हैं ना। माफ करना गुंजन, थोड़ी सी परेशान है, इसकी बात का बुरा मत मानना। मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए प्लीज मेहरबानी करके आप लोग प्लीज बात। लिसन, मेहरबानी ये होगी कि पहले तुम अपने बड़ों से जरा तमीज से बात करना सीखो, समझी? तुम मुझे मयंक घर को ऑर्डर दे रही हो, मुझे मेरे कमरे से बाहर जाने बोल रही हो। हेलो, ऐसा नहीं है भैया, कमरा आपका ही है, वो आप नहीं थे ना, इसलिए गुंजन।
कुंजन तुम लेट जाओ, वो क्या है ना हम इतने दिन बाद मिले और भैया ऐसे अचानक आ गए, इसीलिए हम बाहर जाकर बात कर लेते हैं, है ना भैया? दीदी आप ना इसे समझा दीजिए, हमारा बेटा इतने दिनों के बाद घर आया है तो क्या अब हम उससे बात भी नहीं कर सकते? अब तुम भी मत शुरू हो जाओ सीमा, बच्चों के बहस में तुम क्यों पड़ रही हो? मयंक बेटा चलो बाहर चल के बात करते हैं, आज रात तुम कहीं और सो जाओ, कल सुबह कोई और इंतजाम कर लेंगे। पर ताई जी अब मयंक चलो। लिसन लाइट बंद कर देना प्लीज। और दरवाजा भी छोड़ो ना भैया, अब चलो अब फिलहाल हम सब बाहर चल के बात करते हैं, उसे सोने दो। चलो मैं बेटा चलो रचना बाहर चलो। चलो ना भैया। चलो चलो। अरे ताई जी इस लड़की में कितनी आकड़ है, मयंक के कमरे को अपना कमरा कह रहे, मन तो करो एक दिन। अरे अरे मयंक वो लड़की गुंजन है, तुम्हारी ताई जी की भांजी। What? बदतमीज बदजबान लड़की ताई जी की भांजी कैसे हो सकती है? ताई जी वो आग का गोला आपकी भांजी है? दीदी अब आप ही बताइए मयंक कहाँ रहेगा? कल तक सब ठीक हो जाएगा। मयंक तुम एक काम करो, तुम मुंह हाथ धो लो, हम तुम्हारे सोने का इंतजाम रचना के कमरे में कर देते हैं, ये ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक है चलो हम भी जाते हैं। आओ चलो। आज तक हमारे बेटे से किसी ने इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की, ना ही उसने किसी से, उसी के घर में उसी के कमरे में उस लड़की ने न जाने क्या क्या बक दिया, उसे हाथ तक उठा दिया उस पर। अब तक हम चुप रहे पर अब तो हद हो गई है, कल सुबह तक इस लड़की को मयंक के कमरे से निकलवा कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सीमा कल तक सब ठीक हो जाएगा, कल मयंक अपने कमरे में आराम से सो सकता है। हमें उम्मीद है कि आपकी भांजी आपकी बात जरूर मान लेगी। बस बस सीमा बिस्तर बिछ चुका है, वैसे भी जब मयंक इस पे सोएगा 2 सेकंड में इसे बिगाड़ देगा। अरे दीदी ऐसी बात नहीं है, आप तो जानती हैं कि अगर तकिया चादर कंबल सब कुछ तरीके से ना रखा हो ना तो मयंक बुरा मान जाता है। सो तो है। भैया अब काफी दुबला गए हो, लगता है परीक्षा के लिए जम के पढ़ाई की है, इस साल इंजीनियरिंग में टॉप करने वाले हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मयंक कभी किसी पीछे रहा है क्या? खैर तुम बताओ मैथ्स में तुम्हारे क्या हाल है? आर्य पार सब राम भरोसे भैया, पता नहीं क्या होगा। अच्छा अगर मैथ्स में कुछ नहीं हुआ तुम्हारा तो ताऊजी से कह के एक काम जरूर करा दूंगा। क्या? तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांध के ना धूमधाम से तुम्हें तुम्हारे ससुराल भेज देंगे, समझी? भैया अरे रचना बाकी बातें कल कर लेना, ये थका हुआ है ना इसे अब सो जाने दो। ठीक है गुड नाइट डप्पू भैया। ये डप्पू डप्पू बोला ना तो फिर देखना तुम। सॉरी गुड नाइट मयंक भैया। गुड नाइट। आराम से सोना बेटा। जी चल।
अब क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें सीधा कर रहे थे। तुम्हारा सर तकिए पर सीधे से रख रहे थे ताकि तुम आराम से सो सको। अरे माँ जाओ, जाके सो जाओ। मैं 2 साल का बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद सो जाऊंगा। बच्चे माँ बाप के लिए कभी बड़े नहीं होते, वो हमेशा बच्चे रहते हैं। तुम आराम से सो जाओ। देखो अभी भी सोच लो, हम कह रहे हैं कि हमारे कमरे में चलकर सो जाओ। नहीं माँ, मैं यही सो रहा हूँ, आप भी जाके सो जाओ। गुड नाइट। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे उठिए ना। क्या क्या हुआ, कोई चोर घुसाया क्या? चोर नहीं, आपका बेटा आ गया है। क्या, मयंक आ गया? हाँ। वेरी गुड, सो गया ना? तुम भी सो जा। अरे कहाँ सोएगा? क्या मतलब? जब उसके कमरे में पहले से ही कोई और सोया हो, और दीदी ने भी कह दिया कि कहीं और जाकर सो जाओ, ये नहीं हुआ कि उस बदतमीज लड़की को। ठीक है ना, अपने ही घर में बिस्तर पर सोया है आराम से, ये नहीं कि कोई बस स्टैंड या रेलवे प्लेटफॉर्म पर। हमारा मतलब है कि भाभी ने कुछ सोच समझ कर ही इंतजाम किया होगा। सो जाओ। सुनिए ना, सुनिए तो, वो मयंक कितने दिनों के बाद आया है। हम ना उसकी पसंद की सारी चीजें बनाएंगे, और जो जो हमें चाहिए ना वो आप हमें बाजार से लाकर दे दीजिएगा। बस ये मत कहिएगा कि फिर से। अभी लाकर दे दें, चलो। काहे रात को इतना परेशान हो रही हो तुम? कल सुबह को हम सारी चीजें लाकर आपको दे देंगे, बस सोए हम। हाँ। क्या कर रही है? हम बच गए, और ये डब्बा भी गिरते गिरते बच गया। अरे हमने बचा लिया ना। हाँ, हमें तो लगा कि टूट ही जाएगा। अरे ऐसे कैसे टूट जाता, हमारे मयंक को ना ये मग बहुत पसंद है। पता है दीदी, पहले भी तो उसके आने पर ही निकाला था आपने मग। दीदी आज क्या बात है, आपके सर में दर्द नहीं हो रहा? दर्द हो रहा है, पर वो मयंक के आने की खुशी में ना सारे दर्द गायब हो गए। अरे देख देख, हमारे अनोखे बेटे के लिए अनोखी क्रॉकरी। हाँ देखे तो। हाय, सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। वैसे दीदी, मयंक जब आ ही गया है तो उसके लिए एक सुंदर सी बहू भी ले आइए। हाँ, हमारी चचेरी बहन है ना, कहे तो बात चलाए उससे। हाँ? अरे नहीं, अभी तो उसके पढ़ने के दिन है, और फिर तुम देखना उसके लिए ना एक से एक सुंदर लड़कियों की लाइन लग जाएगी। हम जानते हैं कि उसकी मार्केट में वैल्यू बहुत होगी। अरे कहाँ मिलेगा किसी को इतना सुंदर, पढ़ा लिखा और होनहार लड़का। हाँ। क्या हो रहा है? दीदी सब्जी वाला आएगा ना तो उसे मयंक की पसंद की सब्जियां खरीद लेंगे, उसे फूल गोभी बहुत पसंद है, आज हम गोभी बनाएंगे। दीदी ये क्या है? कचौरियां हैं, ये लाए थे मयंक के लिए, उसे बहुत पसंद है। हाँ ये उसे दे दें। अच्छा मयंक उठा क्या? वो क्या है ना, गुंजन का सारा सामान रचना के कमरे में शिफ्ट करना है। वो तो कब का उठ गया, छत पर है, आपको तो पता ही है वो अपनी कसरत के लिए कितना अनुशासित है। सुबह की कसरत वो कभी नहीं छोड़ता। वो तो है। अच्छा हम अभी आए। हाँ देर आए दुरुस्त है, कम से कम ये बला मयंक के कमरे से तो निकलेगी। फाइनली कुछ शांति, पूरे घर में बस यही एक जगह है जहां थोड़ा चैन मिलता है, और अब उस लंगूर के आने के बाद गॉड नोस क्या होगा। सीन बद से बदतर हो गया है, पता नहीं कैसे और कब तक झेलना पड़ेगा ये सब। आ,
मुझे ना स्कूल में एक बात बताई गई थी कि हमारे पूर्वज बंदर थे, आज देख भी लिया है ना डप्पू बंदर। हाँ एक चीज मैंने भी देख ली है कि तुम्हें दूसरों के कमरे में घुसने की नहीं बल्कि उनके काम में नाक घुसेड़ने की बहुत गंदी आदत। सुनो तुम मुझे लिसन प्लीज लिसन टू मी, तुम इस घर की मेहमान हो इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, सो प्लीज स्टे अवे। एंड यस बंदर, बंदर दूसरों की चीजें छीनने में बहुत माहिर होते हैं राइट, जैसे कि तुम जंगली बंदरिया। मुझसे पंगा लेकर बच्चू तुमने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अब मजा देख। कल रात को हमने मयंक को रचना के रूम में सुला दिया था, आधी रात को ऐसे अचानक आ गया वो, लेकिन आज सब ठीक हो जाएगा। और गुंजन वो कहां रहेगी? वो रचना के कमरे में रहेगी जी, दोनों बहनें एक साथ रहेंगे ना, और मैं अपने कमरे में वापस चला जाएगा आज। दोनों लड़कियां एक साथ रहेंगी? ये ठीक नहीं होगा, उस लड़की का असर रचना पर अच्छा नहीं पड़ेगा। जैसा आप सोच रहे हैं ना जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए सब ठीक हो जाएगा। और गुंजन वो रचना के साथ एक ही कमरे में रहने के लिए तैयार हो जाएगी? सामान को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की इसने? ए रुको, मुझसे बिना पूछे मेरे सामान को हाथ कैसे लगाया? हाँ दीदी, हमको बड़की भाभी ने बोला था। मेरा सामान मेरे पास रहेगा और कहीं नहीं। गुंजन बेटा, हमने इसे कहा था तुम्हारा सामान ले जाने को। क्या मैं पूछ सकती हूँ मेरा सामान कहाँ जा रहा है? रचना के कमरे में। क्यों? आज से तुम रचना के कमरे में उसके साथ रहोगे। बचाओ बचाओ, कोई है? अरे भाई जल्दी प्लीज, छत पे कोई जल्दी आओ, मम्मी। दीदी दीदी, डप्पू की आवाज है ना? अरे भाई जल्दी प्लीज छत पे। क्या हुआ मेरे डप्पू को?